दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको शेरलॉक होम्स की एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अपने अपने ईयरफोन्स को अपने कानों में लगा लीजिए और आंखें मूंद के आनंद लीजिए इस कहानी का। मेरा नाम डॉक्टर वॉटसन है और ये किस्सा सितंबर 1887 का है। मेरी पत्नी अपने माँ के घर गई हुई थी तो मैं अपने पुराने दोस्त शेरलॉक होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट उसके घर पर ठहरा हुआ था। वो एक तूफानी शाम थी, बाहर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने हैरानी से अपने दोस्त शेरलॉक की तरफ देखा। इस वक्त कौन हो सकता है, मैंने पूछा। शेरलॉक बोला, अगर वो इस तूफानी बारिश में हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा है तो जरूर उसे कोई बेहद जरूरी काम होगा। फिर उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज दी, अंदर आ जाओ। एक नौजवान युवक दरवाजे से अंदर आया। वो भीगा हुआ था, थका हुआ था और चिंतित लग रहा था। उसने कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर होम्स। लोग कहते हैं कि आप अपने काम में बेहद माहिर हैं, आप किसी भी चीज का पता लगा लेते हैं, शेरलॉक उसे टोकते हुए बोला। अच्छा अच्छा, पहले बैठ जाओ और सांस ले लो और फिर आराम से अपने बारे में बताओ। वो नौजवान लड़का कुर्सी में बैठा। उसने अपने पैर फायरप्लेस में जलती हुई आग के नजदीक रख दिए और बोला, मेरा नाम जॉन है, जॉन ओपनशॉ। मेरे पिता जोसेफ के एक भाई थे, मेरे अंकल एलियास। वो जब छोटे थे तब अमेरिका चले गए थे रहने के लिए। उन्होंने वहां खूब पैसा कमाया। उन्हें काले अमेरिकन्स पसंद नहीं थे तो गृह युद्ध के दौरान वो साउथ अमेरिका की तरफ से काले नॉर्थ अमेरिकन से लड़े। लेकिन जब साउथ अमेरिका वो जंग हार गया और ब्लैक अमेरिकन्स को बराबरी का दर्जा दे दिया गया तब मेरे अंकल एलियास ने अमेरिका को छोड़ दिया और 1869 में वो अमेरिका से इंग्लैंड आकर बस गए और एक गांव में एक बड़े से घर में रहने लगे। वो अजीब हो चुके थे, एक नाखुश इंसान बन गए थे। उन्हें कोई दोस्त नहीं चाहिए था, वो बस शराब के नशे में डूबे रहते। शेरलॉक और मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। जॉन ओपनशॉ आगे बोला, अंकल एलियास मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं जब 12 साल का हुआ तो उनके साथ रहने के लिए चला गया। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से थे। मैं उस घर में कहीं भी आ जा सकता था, पर वहां उस घर के सबसे ऊपर एक छोटा सा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। किसी को इजाजत नहीं थी उस कमरे में जाने की। एक दिन मैं और मेरे अंकल डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे तब अंकल एलियास को पौंडीचेरी इंडिया से आया हुआ एक खत मिला। अंकल एलियास बोले, पौंडीचेरी वहां तो मैं किसी को नहीं जानता। पर जब उन्होंने वो लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में से निकलकर संतरे के 5 बीज उनकी प्लेट में गिर गए। ये देखकर मेरी हंसी छूट गई, मगर जब मैंने अंकल का चेहरा देखा तो मेरी हंसी रुक गई। उनका चेहरा फीका पड़ चुका था। अंकल एलियास डरते हुए बोले, के 3 खे, हे भगवान, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। मैंने अंकल से कहा, क्या हुआ अंकल? वो कांपती हुई आवाज में बोले, मौत, और भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चले गए। मैंने उस लिफाफे को देखा, उसके पीछे 3K लिखे हुए थे पर उसमें भेजने वाले का नाम पता नहीं था। वो किसने भेजा और अंकल क्यों इतना डर गए, मैं बस यही सोच रहा था। अंकल एलियास तुरंत उस सीक्रेट कमरे में घुस गए जो सीढ़ियों से ऊपर था और अंकल ने उस कमरे से एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में भी 3K लिखे हुए थे। उन्होंने तुरंत उस बॉक्स में रखे सभी कागजों को आग लगा दी और मुझसे बोले, जॉन मैं जानता हूं कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूं। मेरा भाई तुम्हारे पिता जोसेफ को मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा और घर मिल जाएगा और जब वो मर जाएगा तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस धन दौलत का आनंद ले सकोगे। अगर नहीं ले सके तो इस धन को अपने सबसे बड़े दुश्मन को दान में दे देना। मुझे डर है कि मेरा पैसा धन दौलत अपने साथ मौत लेकर आता है। अंकल एलियास क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था और कुछ हफ्तों तक कुछ भी नहीं हुआ।
इसलिए मैं अब निश्चिंत था। पर मेरे अंकल बहुत डरे हुए थे। वो बस अपने कमरे में ही रहते और वो पहले से भी ज्यादा शराब पीने लगे थे। वो घर की हर खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद करके रखते थे। शेरलॉक और मेरी आंखें और कान सामने बैठे ओपन शो के ऊपर ही टिकी हुई थी। ओपन शो आगे बोला, एक रात मेरे चाचा ने बहुत शराब पी, फिर वो अजीब तरह से भागते हुए घर से बाहर चले गए और अगली सुबह हमें नदी के पास उनकी लाश मिली। पुलिस ने कहा कि उन्होंने ही खुद की जान ली है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वो मरने से बहुत डरते थे। वो खुद को मारने की सोच भी नहीं सकते। शेरलॉक ने उस नौजवान युवक को रुकने के लिए कहा और बोला, एक मिनट, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंकल को इंडिया से आया हुआ वो खत कब मिला और तुम्हारे अंकल कब मरे? जॉन ओपनशो ने कहा, वो खत 10 मार्च 1883 को मिला और उसके 7 हफ्तों के बाद मेरे अंकल की मौत हो गई। शेरलॉक ने वो तारीख एक कागज में लिखी और बोला, ठीक है, अब आगे क्या हुआ वो बताओ। जॉन ओपनशो ने फिर बोलना चालू किया, मेरे अंकल की मौत के बाद मेरे पिता उस घर में रहने आए। मैंने मेरे डैड से उस सीक्रेट कमरे को अच्छे से देखने के लिए कहा, मगर हमें वहां कुछ भी काम का नहीं मिला। अंकल की मौत के बाद एक साल तक तो सब कुछ सामान्य रहा, मगर एक दिन मेरे पिता को भी एक खत मिला और उन्होंने लिफाफा खोला तो उसके अंदर से भी वही संतरे के 5 बीज निकले। मेरे पिता ने मुझसे पूछा, इसका क्या मतलब हो सकता है जॉन? मैंने देखा उस लिफाफे में भी के लिखा हुआ था। मैंने मेरे डैड से कहा, डैड, यही लेटर्स तो अंकल एलियास के लिफाफे में भी लिखे हुए थे। अब हम दोनों डर से कांप रहे थे, मगर इस बार उस खत में एक नोट भी लिखा हुआ था और उस नोट में लिखा था, पेपर्स को बाहर बगीचे में रख दो। मेरे डैड बोले, कौन से पेपर्स? ये किन पेपर्स की बात हो रही है? मैंने कहा, वही पेपर्स जो अंकल एलियास के बॉक्स में थे। मेरे डैड मुझसे फिर बोले, और ये खत आया कहां से है जॉन? उन्होंने उस लिफाफे को पलटा तो पाया कि उसमें भेजने वाले का एड्रेस भी लिखा हुआ था, डुंडी, स्कॉटलैंड। डैड बोले, वेल, मैं किसी पेपर्स के बारे में नहीं जानता और बीजों के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। मैंने डैड से कहा, डैड, आपको इस बारे में पुलिस को खबर करनी चाहिए। मुझे अंकल एलियास का वो खत याद था जो इंडिया से आया था, इसलिए मैं बहुत चिंतित था। डैड ने कहा, नहीं, पुलिस मुझ पर हंसेगी, भूल जाओ इस बारे में, कुछ नहीं होगा। 3 दिन बाद मेरे डैड अपने एक पुराने दोस्त से मिलने उसके घर गए जो कुछ ही मील दूर रहता था, पर डैड कभी वापस नहीं आए। पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि डैड रात में पैदल घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनका पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे खाई में गिर गए। वो बुरी तरह घायल हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। पुलिस का मानना था कि वो एक एक्सीडेंट था, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे पूरा यकीन है कि वो मर्डर था। मैं उन खतों को जो मेरे अंकल और डैड को मिले थे, मैं उन्हें नहीं भूल सकता, जिसमें से 5 संतरे के बीज निकले थे। पर मैंने उन्हें भूलने की कोशिश की और उस घर में अकेला रहा पूरे 3 साल। लेकिन कल रात वो हुआ जिसका मुझे हमेशा डर सताया करता था, मुझे ये मिला। उस जवान लड़के ने अपनी कहानी खत्म करके मुझे और शेरलॉक होम्स को एक लिफाफा दिखाया जिसके पीछे के लिखा हुआ था और उसके अंदर संतरों के 5 सूखे बीज थे। वो जवान लड़का बोला, देखा आपने, ये ईस्ट लंदन से आया है और इसमें लिखा है कि पेपर्स को बाहर बगीचे में रख दो। ये वही शब्द हैं जो मेरे पिताजी के खत में भी लिखे हुए थे। शेरलॉक बोला, फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, ओपन शो ने जवाब दिया। उसने सिर झुकाकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेरलॉक हैरानी से बोला, क्या तुमने कुछ नहीं किया? यंग मैन, तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए, तुम खतरे में हो। जॉन ओपन शो दुखी मन से बोला, मैंने पुलिस से बात की, पर पुलिस वाले मुझ पर हंसने लगे। वो कहते हैं कि इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। कितने बेवकूफ हैं वो लोग, शेरलॉक होम्स बोला। तो तुम मेरे पास तुरंत क्यों नहीं चले आए? तुमने अपने दुश्मनों को पूरे 2 दिन दे दिए हैं तुम्हें मारने का प्लान बनाने के लिए। क्या तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमारे काम आ सके? जॉन ओपनशो बोला,
उस सीक्रेट रूम में मुझे ये मिला। जॉन ओपनशॉ ने हमें एक आधा जला हुआ कागज का टुकड़ा दिखाया और बोला, ये मेरे अंकल के कागजों के साथ था, ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है। ये देखिए, इसमें लिखा है 7 मार्च 1869 संतरे के 5 सूखे बीज 3 लोगों को भेजे गए, ब्राउन, रॉबिन्सन, विलियम्स। 9 मार्च ब्राउन चला गया, 10 मार्च विलियम चला गया, 12 मार्च रॉबिन्सन से मिला और उसका सफाया कर दिया। शेरलॉक ने वो कागज का टुकड़ा देखा और ओपनशॉ से बोला, थैंक यू, अब तुम जल्दी अपने घर जाओ और ये कागज का टुकड़ा अपने अंकल के बॉक्स में वापस रख दो और उसमें एक चिट्ठी लिख कर रख दो जिसमें लिखना कि तुम्हारे अंकल ने सारे पेपर्स को जला दिए हैं, और फिर वो बॉक्स बाहर बगीचे में रख देना। मुझे आशा है कि इस बात से तुम्हारे दुश्मन संतुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे सिर से मौत का खतरा टल जाएगा। और तुम घर कैसे जा रहे हो? ओपनशॉ बोला, मैं वाटरलू स्टेशन से ट्रेन पकड़ लूंगा। शेरलॉक बोला, हाँ ये अच्छा रहेगा, सड़क में और ट्रेन में काफी लोग होंगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, बस सावधान रहना। शुक्रिया मिस्टर होम्स, ओपनशॉ बोला, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और फिर वो उस तूफानी रात में बारिश में भीगता हुआ शेरलॉक के घर से बाहर निकल गया। शेरलॉक होम्स शांति से बैठा रहा और फायरप्लेस में जलती हुई आग को देखता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, जॉन ओपनशॉ सच में एक बड़ी मुसीबत में है। उसके अंकल को अमेरिका क्यों छोड़ना पड़ा? उनके अंकल को अमेरिका इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां उनके दुश्मन बन गए थे, लेकिन जब वो इंग्लैंड आ गए तब भी वो बहुत डरे डरे से रहते थे, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करते थे। सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद करके घर में दुबके रहते थे। और वो खत कहां से आया था, तुमने गौर किया वॉटसन? मैंने कहा, पहला पौंडीचेरी इंडिया से आया था, दूसरा डुंडी स्कॉटलैंड से, और तीसरा ईस्ट लंदन से। शेरलॉक बोला, तो तुम्हें इससे क्या पता चलता है वॉटसन? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, ये सभी बंदरगाह हैं और हो सकता है कि खत लिखने वाला शिप में हो जब उसने खत लिखे। अपने इस जवाब से मैं गर्व महसूस कर रहा था। बहुत अच्छे वॉटसन, शेरलॉक होम्स बोला, किसी ने भारत से संतरे के कुछ बीज भेजे और 7 हफ्तों के बाद अंकल एलियास को मारने के लिए आया। फिर उसने कुछ बीज स्कॉटलैंड से भेजे और 3 दिन के भीतर ही जॉन के डैड का मर्डर कर दिया। और अब सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जॉन ओपनशॉ को भी वही खत और बीज मिले हैं जो उसे लंदन से भेजे गए हैं। इसका मतलब किलर यहाँ लंदन में ही है। हे भगवान, कौन हो सकता है ये आदमी? मैं आश्चर्य से बोला। शेरलॉक बोला, शायद एक से ज्यादा आदमी हो सकते हैं और वो कु क्लक्स क्लैन गैंग के लोग हो सकते हैं, इसलिए वो के का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुमने कु क्लक्स क्लैन के बारे में नहीं सुना वॉटसन? ये एक खुफिया ग्रुप है। मुझे यकीन है 1869 में अंकल एलियास इसी खुफिया ग्रुप का हिस्सा थे और उन्होंने अचानक एक दिन अमेरिका छोड़ दिया और ग्रुप के सारे जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले आए। अब उस खुफिया ग्रुप के सारे सीक्रेट्स और दस्तावेज अंकल एलियास के पास थे और ये बात के ग्रुप के लोगों को अच्छी नहीं लगी। वो ग्रुप अपने सभी दस्तावेज वापस चाहता था और जॉन ओपनशॉ ने जो हमें जला हुआ कागज का टुकड़ा दिखाया वो अंकल एलियास की डायरी का पन्ना था। जब अंकल एलियास के ग्रुप में काम किया करते थे तब वो संतरे के 5 सूखे बीज भेजकर लोगों को डराया करते थे। उनमें से 3 लोगों के नाम उस जले हुए कागज के टुकड़े में लिखे हुए थे। उन 3 लोगों में से 2 ने तो देश छोड़ दिया था मगर एक ने देर कर दी। तब के ग्रुप ने उस आदमी के साथ अपना सारा बिजनेस खत्म करके उसको मार डाला। वो नहीं चाहते थे कि ग्रुप को छोड़कर जाने वाला बाहर जाकर सबको उनका राज बताएं। के ग्रुप हमेशा इसी तरह काम करता है। शेरलॉक ने अपनी बात खत्म की। मैंने कहा, मुझे आशा है कि वो लोग नौजवान लड़के जॉन ओपनशॉ का कत्ल नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था। जॉन आज रात घर पहुंचकर उनके जले हुए सभी दस्तावेज बाहर बगीचे में रख देगा जहां से वो लोग उसको उठा लेंगे। वो रात इसी उम्मीद में गुजर गई। लेकिन अगली सुबह मेरी उम्मीद के बिल्कुल ही उलट मुझे अखबार में एक बुरी खबर मिली। वो ये कि जॉन ओपनशॉ मर चुका है। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे वाटरलू स्टेशन के करीब एक नदी में मरा हुआ पाया। पुलिस का मानना था कि जॉन ओपनशॉ की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। इस खबर से शेरलॉक होम्स गुस्से में था और दुखी भी। शेरलॉक बोला, वो जवान लड़का मेरे पास मदद मांगने आया था
और उन लोगों ने उसका भी कत्ल कर दिया। लेकिन मैं अब उन लोगों को पकड़कर ही दम लूंगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर शेरलॉक तुरंत घर से बाहर भागा और पूरा दिन बाहर रहने के बाद वो घर वापस आया। वो बेहद थका हुआ और भूखा था। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसने टेबल में से एक ब्रेड का टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में ठूस कर पानी के घूंट के साथ उसे निगल लिया। मैंने शेरलॉक से कहा, तुम पूरा दिन कहां थे शेरलॉक? सुबह तुम बिना नाश्ता किए चले गए थे, क्या किया तुमने पूरा दिन? शेरलॉक बोला, वॉटसन, मैं जान गया हूं कि वो लोग जिन्होंने जॉन ओपनशो का कत्ल किया है वो लोग कौन है, उनके नाम क्या है। अब मैं भी उनके लिए एक तोहफा भेजने वाला हूं। मेरे तोहफे को देखकर उनकी नींद उड़ जाएगी। ऐसा बोलकर शेरलॉक ने एक संतरा लिया और उसके टुकड़े किए और उसके अंदर से 5 बीज निकालकर एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लिखा SH की तरफ से JC के लिए। फिर उसने उस लिफाफे के ऊपर एक पता लिखा, कैप्टन जेम्स कैलहॉर्न, लोन स्टार, सवाना, जॉर्जिया। फिर शेरलॉक मुस्कुराते हुए बोला, वो जब तट पर पहुंचेगा तो उसे लिफाफा उसका इंतजार करता हुआ मिलेगा। उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, वो समझ जाएगा कि ये उसकी मौत का फरमान है, जैसे ओपन शो को लगा था। मैंने पूछा, ये कैप्टन कैलहॉर्न कौन है? शेरलॉक बोला, KKK ग्रुप का सरदार। मैं दूसरों से भी निपटूंगा, लेकिन सबसे पहले इससे निपट लूं। मैंने पूछा, पर तुमने उसे ढूंढा कैसे शेरलॉक? शेरलॉक ने कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा अपनी जेब से निकाला जिसमें नाम और तारीखें लिखी हुई थी। फिर वो बोला, मैंने पूरा दिन अखबारों और लॉयट के रजिस्टरों की छानबीन में बिताया है और उन जहाजों के बारे में जानकारी निकाली जो जनवरी और फरवरी 1883 के दौरान पौंडीचेरी पहुंचे थे। कुल 36 मालवाहक जहाज थे जो उन महीनों में दर्ज थे, मगर उनमें से एक लोन स्टार नाम का जहाज था जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि उसे जाने की इजाजत लंदन से मिली थी, लेकिन रजिस्टर में नाम दिया था टेक्सास का। वो अमेरिकी मूल का जहाज था। मैंने डुंडी के सारे रिकॉर्ड्स देखे और जब मैंने पाया कि लोन स्टार नाम का जहाज जनवरी 1883 में वहां था तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने पूछताछ की कि इस वक्त लंदन के किस तट पर कौन कौन से जहाज खड़े हैं। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या पता चला? शेरलॉक बोला, लोन स्टार यहाँ पिछले हफ्ते पहुंचा था। मैं तुरंत एल्बर्ट डॉक पहुंचा तो पता चला कि लोन स्टार आज सुबह ही समुद्र में सवाना की ओर निकल चुका है। मैंने ग्रेपसैंड एक तार भेजा तो वहां से पता चला कि कुछ देर पहले ही लोन स्टार वहां से गुजरा है और अभी तेज हवाएं चल रही हैं तो पक्का वो जहाज गुडविन पार कर चुका होगा। मैंने पूछा, तो फिर अब तुम क्या करोगे शेरलॉक? शेरलॉक बोला, मैंने उस पर सिकंजा कस दिया है। मुझे पता चला था कि उस जहाज में वो और उसके दो मित्र एकमात्र अमेरिकी हैं, बाकी सभी फिनलैंड और जर्मनी से हैं, और पिछली रात वो तीनों जहाज से गायब थे। ये मुझे उस जहाज में सामान लोडिंग करने वाले एक कर्मचारी से पता चला। जब तक वो जहाज सवाना पहुंचेगा, एक मेल बोट मेरा ये खत उन कातिलों तक पहुंचा चुकी होगी और सवाना की पुलिस को खबर मिल चुकी होगी कि लोन स्टार जहाज में 3 अमेरिकन हैं जिन्हें कत्ल के इल्जाम में ढूंढा जा रहा है। लेकिन इंसान कत्ल करने के बाद बच निकलने की चाहे कितनी भी योजनाएं बनाए, उसमें कोई ना कोई दोष निकल ही आता है। जॉन ओपनशो के कातिलों को वो संतरे के बीज नहीं मिल सके जिससे उन्हें पता चलता कि उनके जितना चालाक और जिद्दी कोई इंसान उनका पीछा कर रहा है। उस साल समुद्री हवाएं काफी तेज थी। हमने काफी समय तक लोन स्टार जहाज के सवाना पहुंचने की खबर का इंतजार किया, लेकिन हमें उस जहाज के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन पिछले साल हमें पता चला कि अटलांटिक महासागर के किसी वीरान तट पर एक टूटे हुए जहाज का पाल दिखाई दिया था जिस पे लिखा था LS। और इसके अलावा हमें लोन स्टार जहाज के बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन सबका मानना है कि लोन स्टार जहाज और उसमें सवार सभी यात्री एक समुद्री तूफान की चपेट में आकर समुद्र में लीन हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी शेरलॉक होम्स की एक दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प जासूसी कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी कहानियां जरूर पसंद आएंगी। इस कहानी को और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।